मामला टाउन रहमत चौक पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सीनियर रहनमा शाजिया खान कोऑर्डिनेटर यूसी 257 पीपी 170 ने सैलाब जदगान मुतासरीन की इमदाद के लिए कैंप लगाया, जिसमें फिल्म स्टार और सियासी समाजी शख्सियात भी मैदान में आ गए। पीटीआई की सीनियर रहनमा कोऑर्डिनेटर शाजिया खान, फिल्म स्टार लैला, ड्रेस डिजाइनर टिमी राय, फिल्म स्टार निशो बेग, मियाँ मोहम्मद इकबाल व दीगर ने सैलाब जदगान के लिए इमदादी कैंप लगाकर सामान इकट्ठा किया। इस मौके पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमपीए मलक जहीर अब्बास खोकर ने खसूसी शिरकत की। शाजिया खान ने मलक जहीर खोकर को इमदादी सामान और कपड़े, खुश खुराक, रजाइयाँ व दीगर सामान का विजिट कराया और बताया कि जल्द ही सब सामान सैलाब जदगान में खुद जाकर तकसीम करेंगी। इस मौके पर इनके हमरा ड्रेस डिजाइनर टिमी रॉय और फिल्म स्टार लैला भी मौजूद थीं। एमपीए मलक जहीर खोकर ने तमाम इमदादी सामान को चेक किया और शाजिया खान और इनकी टीम की दिन रात मेहनत को सराहते हुए कहा कि मैं इस नोबल काज में आपके साथ हूं। इस मौके पर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान में ये जो आफत आई है, जो सैलाब आया है, और ये ऐसी आफत है जिस पर पूरे पाकिस्तान के जो कम्युनिटी है, सारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो परेशान हाल हैं। और जिन लोगों पे सैलाब नहीं आया, वो उनके दुख और दर्द में मुबतला होकर जो है वो इस वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। और ये अल्लाह ताला का एक ऐसा इम्तिहान है जिस पर अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों पर वो सैलाब भेजकर और बाज़ लोगों पर ना भेजकर इम्तिहान में इस कौम को डाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से पाकिस्तान की जो कौम है, ये एक ऐसी कौम है जो हर चैलेंज को जो है उसको उस पर नबरदाजमा होती रही है। और अब भी तकरीबन 60% ऑफ पाकिस्तान इज़ अंडर द फ्लड, लेकिन उसके बावजूद शाजिया खान जैसी हमारी जो ख़वातीन हैं और इनकी सारी फैमिली है, उनकी सारी दोस्तें हैं, इनकी सारी टीम है, जिन्होंने इस आफतज़दा लोगों पर जो एक दर्द और एहसास का जो इनके अंदर एक इंसानियत की खिदमत के लिए और पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए एक जो दर्द है, वो इस इवेंट पे, इस जगह पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ कैंप लगाए रखा और दिन रात मेहनत करके अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की इमदाद के लिए यहाँ पर दिन रात एक किया, अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपनी पार्टी वर्कर्स के साथ मिलकर ये एक इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इस पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनकी इस एफर्ट को जो है वो इसमें अल्लाह ताला बरकत डाले। और बहुत बड़ी जो इन्होंने एक यहाँ पर जो एक राशन और दूसरी जो ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो इकट्ठी की हैं, और अब ये है कि इनको ये आज यहाँ से रवाना कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा पैकेज जो है ये लेके जा रही हैं, अपनी ये खुद जा रही हैं, सारी ख़वातीन भी, इनकी फैमिली की भी जा रही हैं। और ये इनको मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि आज ये कौम के दर्द के लिए बाहर निकली हैं और इमरान खान के कहने पर, जो इमरान खान ने कहा है कि मेरे पार्टी वर्कर्स जो है वो बाहर निकलें और लोगों की मदद करें, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये खुद जा रही हैं और हम इनको आज यहाँ से जो है रवाना करेंगे। और ये पाकिस्तानी जो ख़वातीन, मर्द, जो फैमिलीज इस वक्त इंतज़ार कर रही हैं मदद के लिए, उसके लिए ये इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगे। मैं तमाम इन टीम को, जिसमें लैला हैं, जिसमें शाजिया खान हैं, नाहिद हैं और टीमी सैयद हैं, और तमाम मर्दों के साथ जो इस टीम में शामिल हैं और तमाम ख़वातीन जो यहाँ पर बैठी हैं, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनको अप्रिशिएट करता हूँ और अल्लाह ताला इनकी एफर्ट को कबूल करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ मलक जहीर साहब की, मलक करामत साहब की, कि जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, मैंने इनसे इजाज़त मांगी और इन्होंने मुझे हिम्मत दी कि ये बहुत सवाब का काम है, आप बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें। और मैंने दिन रात मेहनत की और जो मेरे साथ फिल्म स्टार लैला हैं और टीमी डिज़ाइनर हैं, इन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब हो गई, क्योंकि मेरे जो कैद हैं वो भी बहुत हिम्मत वाले हैं और मेरे जो एमपीए हैं वो भी बहुत दिलदार हैं और मेरे जो राम साहब हैं एमएनए वो भी बहुत दिलेर हैं, इसलिए मैं उनके नीचे रह के इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अपनी दिलेरी का मुजाहरा करूँगी और इंशाल्लाह ये नहीं कि यहाँ तक मैं ब्रेक नहीं लगाऊँगी। जब तक मेरे वो बहन भाई अपने सुकून में, अपने घरों में टिकाना नहीं करेंगे, मैं इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रखूंगी। इंशाल्लाह मलक जहीर साहब का दिले तय से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे पास आए हैं और मेरा हौसला अफजाई दी है।
मैं फैशन डिज़ाइनर टीम में इस वक्त मौजूद हूँ, कैंपेन का हिस्सा बनी हुई हूँ। शाजिया खान कोऑर्डिनेटर UC257 PP170 की ज़ेरे सतारत ये कैंपेन चली है और इन इसको ऑब्जर्वेशन किया है सारा मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब ने, मलिक करामत अली खोखर साहब ने। इनके भरपूर तआवुन और साथ की वजह से हम इस कैंपेन, इस मुहिम को कामयाब बना सके हैं। हमारा जो टारगेट था हमने अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को जिन्होंने फंडिंग की, और जो पाकिस्तान से बाहर हमारी फैमिली है उन्होंने फंडिंग की, जिसमें मेरी कज़न है, मेरे भाई हैं, उन्होंने फंडिंग की, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन सब ने हमारा साथ दिया, उनके तामन से आज हम अपने इस काफ़िले को लेके कामयाबी से यहाँ रवा दवा होंगे सैलाबी लोगों जो हमारे मुंतजर हैं उनके पास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कुदरती आफत है और कुदरती आफत का तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता, लेकिन हम सब की एक छोटी सी काविश थी जो शाजिया खान टिमी डिज़ाइनर मिस्टर जहीर जो है इनके साथ मिलके इनकी एक छोटी सी कॉल पे मैं, मेरे पास वक्त था, मैंने दिन रात वक्त दिया, हम लोगों ने रोड्स पे फंडिंग की और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमने अगर हाथ यूँ किया तो वो हाथ खाली नहीं आया। सब लोगों ने जो है गुज़रते हुए अपना उसमें हिस्सा डाला और दिन रात की मेहनत के बाद आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमारा टारगेट अचीव हुआ है और अब हम मिस्टर जहीर जो हैं इनकी मदद से अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह, और शाजिया खान बाजी की डे नाइट मदद। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ कि हमने ये इसका स्टार्ट अपने घर से लिया। शाजिया बाजी ने हॉलैंड से, यूके से, जो इनकी फैमिली वहाँ पे रहती है, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट लिया और जो जितनी मेरी औकात थी मैंने भी किया, मेरे पास वक्त था जो मैंने दिन रात दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग भी हमारी शॉर्ट कॉल पे आए और दुआ कीजिएगा कि हम इसको आगे भी साल, दो, तीन, चार साल, जब तक ये प्रॉब्लम्स हल नहीं होती, हम इस काबिश को लेके चलते रहेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।